हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मॉर्निंग हो गई है यहाँ पे और मुझे सुबह से मंदिर में से भजन की आवाज़ आ रही है। बहुत ही प्यारा भजन बज रहा है, अच्युतम केशवम। कल मुझे बालकनी देखनी थी तो मैंने फिर गेट खोला नहीं, क्योंकि वैसे भी अंधेरा था तो मुझे कुछ दिखता नहीं खास, क्योंकि मैं रात को ही आई थी। तो आज देखते हैं बालकनी खोल के। दिखाती हूँ मैं आपको। नेट लगा रखे है ताकि चिड़िया वगैरह यहाँ पे अंदर ना आ पाए। कपड़े डालने का है, ग्राउंड है। आई थिंक वो वाला नींबू का पेड़ होगा शायद, ये तो अशोका के हैं, सभी को पता होगा। देखो सूरज झांक रहा है पेड़ों में से। तो बालकनी को देख लिया आपने, अब मैं दिखाती हूँ आपको आगे का एरिया। ओ वाव, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। लाइक गेट खोलते ही बोगनवेलिया श्रब की यहाँ पे इतनी प्यारा व्यू आ रहा है, इतना प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा। लाइक सुबह उठो और दिल खुश हो जाए फूलों को देख के, है ना, बहुत ही प्यारा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, दोपहर हो गई है और आशा करती हूँ कि आप सब ने अपना अपना लंच कर लिया होगा, या नहीं किया होगा तो बाद में करेंगे। अगर नहीं किया है और अगर मेरे साथ आप लंच करना चाहते हो तो चलिए देखते हैं लंच में क्या क्या आया है और मेरे साथ लंच एंजॉय करिएगा आप भी। तो लंच को आए हुए 2 मिनट हो गए हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि लंच में क्या क्या है। दाल है, राइस है और है ऑरेंज। ऑरेंज बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, विटामिन सी से भरपूर, तो ऑरेंज ज़रूर खाना चाहिए। और ये सब्ज़ी है, मटर है और शायद बैंगन है इसमें मिला हुआ, सैलेड और लेमन। और इसमें है रोटी। तो मुझे बहुत तेज़ की भूख तो नहीं लगी है, बट खाना देख के किसको भूख नहीं लगती है। तो मैं लंच करने जा रही हूँ, आप लोग भी आइए एंजॉय कीजिए मेरे साथ लंच। तो लंच के बाद मैंने कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी और थोड़ा बालकनी में टहलने गई। और अभी टाइम हो रहा है 8:40 और डिनर का टाइम हो गया है। शायद आप लोगों ने डिनर कर लिया हो, और अगर नहीं किया आपने डिनर तो आइए मेरे साथ डिनर करते हैं। चलिए दिखाती हूँ आपको कि आज डिनर में क्या क्या है। आज बहुत ही एक अजीब सा इंसिडेंस हुआ है। मतलब इसमें खीर भी थी, बट मुझे थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया कि आप खीर मत खाइएगा क्योंकि खीर में चीनी डालना भूल गए हैं वो लोग। तो अभी जस्ट आए थे वो लोग और खीर को लेके गए हैं, शायद चीनी वगैरह डाल के उसमें लेकर आएंगे वापस। देन अभी जो है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ओके, दाल और ये बैंगन की सब्ज़ी। मुझे बैंगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और बैंगन का भरता। शिट, लाइट ऑफ, लाइट चली गई यार। तो यार लाइट तो जा चुकी है तो मैं ऐसे ही फ्लैश लाइट में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो को, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी वैसे। तो दाल है और ये बैंगन की सब्ज़ी है, मुझे बैंगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और ये है चावल, रोटी। तो यार मैंने वेट करा थोड़ा सा, लाइक 1 मिनट लाइट नहीं आई है। होप सो शायद बाद में और टाइम लगेगा लाइट आने में।
जिन लोगों ने भी डिनर नहीं किया है, आइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए डिनर को। और सॉरी यार, अब लाइट नहीं है तो ऐसे ही रिकॉर्ड होगा, अंधेरे में किया है जैसे भी। आई थिंक लाइट नहीं आएगी अभी फ़िलहाल, जल्दी से थोड़ा वक्त लगेगा। और जो खीर हमारी गई थी जिसमें चीनी नहीं थी, वो वापस आ चुकी है। और ये है हमारी खीर। आई लव खीर। वैसे तो ये सेवैया है बट मुझे खीर बहुत पसंद है। खीर तो मतलब आहा हा, मुझे बहुत अच्छी लगती है खीर। तो जिन्होंने भी डिनर नहीं किया है, आइए मेरे साथ डिनर करिए, एंजॉय करिए डिनर को, बहुत टेस्टी है, अच्छा लगेगा आपको। और ये था मेरा सेकेंड डे गुजरात में। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे गांधीनगर में हूँ और कल मुझे मॉर्निंग में निकलना है 5 o'clock बाहर अहमदाबाद के लिए। तो शायद कल मैं व्लॉग ना बना पाऊँ, तो ये वाला व्लॉग तो मैं यहीं एंड करती हूँ। लाइट नहीं है तो इस वजह से फ्रेंड, तो लाइट आ गई है, मैंने कहा था ना लाइट आ जाएगी जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं डिनर को। और ये मेरा दूसरा दिन था गुजरात में, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं आज कहीं बाहर नहीं गई हूँ और कल मुझे निकलना है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। सेकेंड डे खाना बहुत अच्छा है यहाँ पे, रूम सर्विस वगैरह बहुत ही ग्रेट है। और तो चलिए डिनर करते हैं और ये वाला व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं किसी और व्लॉग में नए सफ़र पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने साथ वालों का भी ख्याल रखना, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।